कैसे हैं आप सब? यहाँ देख रहे हैं, हम वैक्स कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। मैंने हाथ पे पाउडर लगा दिया है और इसके बाद वैक्स अप्लाई करेंगे हैंड पे, जिस डायरेक्शन पे हेयर हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। आप लोग का एक लाइक हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करिए, फ्रेंड रिलेटिव को भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल सके, घर में भी वो सीख सकें। जैसा कि आप जान रहे, इस कोरोना के महामारी पे ना ही कोई निकल रहा है, बाहर जा रहा है, और ना ही कोई पार्लर में जाना पसंद कर रहा है। और रीज़न ये भी है, अपनी खुद भी की सुरक्षा भी है, दूसरी बात ये भी है कि इस समय आर्थिक रूप सभी लोग कमज़ोर हो गए, तो बहुत कम ही लोग पार्लर जाते हैं। इन लोग को यूट्यूब से सीख के और ऐसे भी सीख के हम लोग खुद घर पर अपने आप को कर सकें, तो इसी तरह हम लोग करते हैं। और ये हैंड वैक्स के लिए सबसे पहले हमने वैक्स को गर्म करा था, इतना भी चेक कर लेते हैं कि इतना हो कि क्लाइंट आप सह सके, उतना ही वैक्स को गर्म करते हैं। उसके बाद स्पूचला का यूज़ करके हम वैक्स को स्किन पे लगाते हैं, सबसे पहले पाउडर लगाते हैं। तो इस तरह हम करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, मैंने अंडर आर्म्स का भी वीडियो अपलोड किया है, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। थ्रेडिंग का अपलोड किया है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। और हेयर कटिंग आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, तो हेयर कटिंग की वीडियो भी अपलोड है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन सबको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार सहयोग बनाए रखें और अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें, कभी मत तोड़िएगा। आप मेरी फैमिली है, तो हम लोग बहुत बड़ा फैमिली में बनाना चाहती हूँ, इसमें आप लोग की हेल्प के बिना नहीं कुछ हो सकता। ये पट्टी गंदी हो गई तो उसको मैंने हटा दिया, दूसरी पट्टी को लिया है गाइस। और इस तरह हम वैक्स को करेंगे। और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट को भी बताया, क्योंकि क्लाइंट पे दिक्कत हो जाती है वीडियो बनाने में, या तो आप फ़ोन पकड़ो, या तो वीडियो अपलोड करो, वीडियो बनाओ, या करो वर्क, काम करो अपना, ना तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का ही यूज़ किया है, स्टूडेंट से ही मैं उन्हीं के हाथों पे कर रही हूँ। और आपका हैंड का वैक्स अलग वीडियो बनाऊंगी और लेग का अलग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे नहीं। तो इस तरह हम देख रहे हैं। अब वीडियो को मैंने फास्ट भी किया, काफ़ी फास्ट किया है, तब भी लगता बहुत स्लो जा रहा है। तो अब मगर वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और आप चाहें तो चॉकलेट पट्टी भी आती है, आप यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो ये वाइट वाली भी पट्टी यूज़ कर सकते हैं। अब तो कलरफुल भी आने लगी है, ये आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और मैंने देखा होगा आपने, पहले मैंने इसके पहले अपलोड किया वीडियो, लॉयन का मेकअप मैंने किया है। तो इस तरह हम हॉरर मेकअप भी करते हैं। हैं तो मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट होते हुए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पार्लर रेंट पे है, बहुत अच्छी, मैं बहुत पैसे उस पर नहीं इन्वेस्ट किया है, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग आप, अगर आपका काम बोलता है, और मेरा बेसमेंट पे होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मेरे पार्लर में। आप देख सकते हैं इनके हेयर कितने बड़े हैं, इस हैंड में आप देख सकते हैं, सामने आपको दिख सकता है, देखिए कितने बड़े हैं इनके हेयर। हमने पाउडर लगा दिया अच्छे से, तो ये देख सकते हैं, हमने हेयर को अच्छे से पट्टी लगाई, इसके अपोजिट वैक्स लगाया और फिर अच्छे से रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं, आपके आगे दिखा रहे हैं कि अब हेयर भी रिमूव हो गए और उसके टैन भी रिमूव हो गए, है ना। इस तरह हमारे हाथ के टैन बन भी रिमूव हो जाते हैं। तो वैक्स, और ये वैक्स ब्राइडल वैक्स है, और इसका मैं आपको उसके बाद वीडियो दिखा दूँगी, मैंने कौन सा वैक्स यूज़ किया है, तो वैक्स में बता दिखा दूंगी आपको किस कौन सा वैक्स मैंने यूज़ किया है वो भी। मगर हाँ, उससे पहले आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करिए गाइस, में बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल भी आपके पैसे नहीं जाएंगे, और कर दिया करिए, ठीक है। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा नहीं लग रहा है, और वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं कि नहीं, और जो मैंने लॉयन मेकअप किया है अगर उसको देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको मेकअप करने का तरीका भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मैंने कैसे ये मेकअप किया वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।
और आप देखिए हाथ ऊपर कर दिया है, फिर नीचे की तरफ वैक्स लगाया है अच्छे से, और उसके बाद हम करेंगे इसके अपोजिट वैक्स रिमूव, मतलब कि वैक्स करेंगे दूसरी साइड, ये देख रहे हैं, लगाया नीचे की तरफ, निकालेंगे ऊपर की तरफ। तो इस तरह हम वैक्स को करेंगे, और यहाँ वीडियो मैंने फास्ट कर दी है कि आप बोर ना हो, तो भी मुझे लग रहा है लंबा जा रहा है वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करिए। और जी सब चल रहा है, आप लोग का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है वो भी जरूर बताइएगा, और कुछ आपका कुछ मैसेज हो तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है प्रिया रावत 585 585, प्रिया रावत 585 इंस्टाग्राम है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर उस पर आप मैसेज करते हैं तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी मैसेज का। तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा, और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरा वीडियो भी बहुत दिक्कत हो रही है अपलोड होने में, बीच बीच में हो जाती है, तो इस चीज़ का भी हो जाता है। आप देखिए इस साइड, दूसरे साइड हम वैक्स लगा रहे हैं, इस समय फ्री थे, कोई आया भी नहीं था, तो मुझे लगा कि चलिए वैक्स ही कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, तो अब ये थोड़ा पीछे बचा हुआ है, तो पीछे भी हम अच्छे से वैक्स को लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरह हम वैक्स को लगा लेंगे और पट्टी लगाएंगे डायरेक्शन जिस अकॉर्डिंग हो उस लगा, और अच्छे से देखिए हेयर निकल जा रहे हैं। इससे मौसम ख़राब चल रहा है गाइस, तो दिक्कत हो जाती, बिना एसी का तो हो ही नहीं सकता है। अगर बिना एसी का आप करना चाहो तो मेरी वीडियो अपलोड है उस पर, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बिना एसी का भी वैक्स आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, जाकर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ कह तो हो सकता है इमरजेंसी में, लेकिन आप चाहो कि बहुत अच्छे से हो जाए वैक्स बिना एसी का, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ तरीका उसका भी अलग है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ती है गाइस। ठीक है, अब यहाँ कोहनी के पास भी हमने कर दिया कि उससे टैन भी रिमूव हो जाता है और जो हेयर है वो भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि कोहनी काली रहती है तो वहाँ पर भी निकल जाएगा ना अच्छे से। तो इस तरह हम करेंगे, अच्छा जाके आप देखिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आपको वीडियो भी दिखेगी। तो इस तरह मेरा यूट्यूब चैनल है प्रियाज ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी तरह भी जो 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो मुझे प्ले बटन मिलेगा, तो बस इस समय आपका सहयोग चाहिए। और मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था गाइस, इसकी भी जर्नी अलग ही है, थोड़ा सा मैं हिंट बता देती हूँ, हिंट कह दूँगी, बता देती हूँ कि मेरी स्टूडेंट तो आती ही थी, लेकिन एक आती थी क्लाइंट थी, इनको हेयर कटिंग हमेशा हमसे कराती थी, तो उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बोला आप ऐसा करिए कि आप यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करिए। तो मुझे लगा कि यूट्यूब पर कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे क्या बनता है, आइडिया मुझे कुछ पता नहीं था, बस उन्होंने बना दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आप अपने फैमिली का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक से सब्सक्राइब करिए, मिलते बाय बाय।